अज साडे प्रोग्राम दे विच ने सरदार हरमनजीत सिंह जी प्रधान गुरुद्वारा सिंह सभा रजौरी गार्डन तो असीं उन्हां नूं जी आयां आखदे हां। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज असीं गल करांगे क्योंकि जिहड़ी रजौरी गार्डन कहण नूं डिस्पेंसरी चल रही है लेकिन सिखी चैनल वालों हमेशा उसनों एक बहुत वड्डे हॉस्पिटल का नाम दिता जाता है और उहदे विच एक नवा मील पत्थर जिहड़ा रख्या गया है कैंसर का, कैंसर का जिहड़ा मील पत्थर रख्या उस बारे असीं चर्चा करांगे। जिहड़ा ये सोच किवें आई और अज जिहड़ा शुरू किया गया उस बारे साडे दर्शकों नूं की कहना चाहूंगा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इस तरह हैगा वे कि असी ना यह देखने है कि बई कि चीज़ के नाल बंदा जिहड़ा ना उहदा इलाज हो सके तो वह चला जाता है वे, जिवें डायलिसिस भी कैंसर तो ही भैड़ी बीमारी हैगी। असी डायलिसिस दी 10 मशीन लगाई हुई हैं उत्ते, कैटरिक के ऑपरेशन दी भी वह भी बेस्ट मशीन असी लगाई हुई है, तुसीं देखिया हैगा वे। तो यह सोच इस तरह आई हैगी कि बई यह ना खर्चा तो इन्हों का होंदा हैगा सीगा, होंदा 5-7 हज़ार रुपया लगता हैगा वे इन्हों के उत्ते कीमोथरैपी ते, बाकी टीके टीके का खर्चा जिहड़ा होंदा हैगा, मगर वो 30-40-40 हज़ार 50-50 हज़ार जिहड़े बड़े अच्छे हॉस्पिटल 50-50 हज़ार लख लख रुपया भी लै लेंदे हैगे ने। असी बेस्ट मशीनरी बेस्ट जिहड़े हैगे ने ना जिहड़े मिक्सचर बेस्ट इंजैक्शन जो भी ना जो बेस्ट हो सकती है ना चीज़ असी और रखने। तुम देखिए ही साडा डायलिसिस जापान दी मशीनां हैगियां ने, कैटरिक दे विच साडी जिहड़ी हैगी स्विट्जरलैंड दी मशीन हैगी है और उन्हें अख नूं टच भी नहीं करती हैगी। जिहड़ी एक कैंसर दा जिहड़ा आप जी ने हुण इलाज शुरू किया है इस बारे असी जरूर थोड़ा जिहा होर जानना। अस मैं तुहानूं दस रहा ना वह आ रहा हुंदे दे हुण असी जिहड़ा ना कीमोथरैपी दा छड़े पहले तो कीमोथरैपी दी असी थल्ले ना वह लगा दी कर दित्ती हैगी असी अपना OPD स्टार्ट हो गई साड़ी, वो हाली हफ्ते च एक दिन आएगा और 15 दिनों बाद डॉक्टर हफ्ते तीन दिन आए करेगा। डॉक्टर मनदीप सिंह जी है ने, मतलब वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर हैगा वे साढ़े ना कैंसर का जरा है। पहले अपोलो होंगे है हूँ इतने पंजाबी बाग होंगे है तो उजो ही साढ़ा ना देखे का अपना सारा देखते हैं। वो हूँ असं लगा रहे हैं उपर कीमोथरैपी का, कीमोथरैपी जी हैगी है वह मशीन साढ़िया आ चुकी है ने, हूँ थोड़ा जहा उ पेंट शेंट चलता पे है सारी चीज़ हो रही हैगी है। तो मैं असी 27 तरीक का मूहरत रख्या है कीमोथरैपी का, ठीक है, और गुरु महाराज की मेहर के नाल उस तो बाद जो मेरा टारगेट हैगा वे जो सच्चे पातशाह ने सानू सेवा बख्शी तो असी ना मेमोथरैपी जी होंगी ना उनकी भी मशीन लगावे, वह भी 1 करोड़ का प्रोजेक्ट हैगा वे। मतलब कैंसर के नाल जो भी रिलेटिड चीज़ हैगी ना असी उनके नाल ना आसा आसा जिमें सू डॉक्टर मनदीप सिंह जी कर दसते जाएंगे असी उस हिसाब के नाल कर लाँगे। और एन मैं तुम्हें ये दसदा पाया कि भी जोड़े बच्चे बंदे जान का खतरा हो जो अफोर्ड नहीं कर सकते सच्चे पातशाह का घर हैगा वे इतने असी उन्हों का इलाज बेस्ट इलाज करा और बेस्ट मशीनरी होएगी और रेट साडा इंडिया सब तो घट होएगा और जो नहीं अफोर्ड कर सकते डिस्काउंट भी देंगे। असं गुरु नानक का घर है वापस नहीं जान देंगे। बिल्कुल क्योंकि डॉक्टर मनदीप सिंह जी जो पिछले कई समय तो एक दर्द लैके बैठे ने कैंसर दे लई और उन्हां नाल एक उपराला जिहड़ा शुरू किया है गुरुद्वारा सिंह सभा रजौरी गार्डन के विखे। मैं सरदार हरमनजीत सिंह जी नूं वधाई देंगा और जिवें उन्होंने दस्या कि कैंसर का इलाज जिहड़ा है कीमो है वह भी बहुत जल्द अगले हफ्ते शुरू हो रही है और बड़े नॉमिनल चार्जिज़ क्योंकि इतने नॉर्मल देखने मिलता है कि क्योंकि कई बार इतने अगर असं बैठे होंने तो जोड़ा नहीं भी दे सकता वह कहें भी तू 5 हज़ार का बिल तेरा हैगा, वो कहना मैं नहीं दे सकता, कहते चल 500 दे ताकि उन्होंने लगे कि मैं दिता, बट 500 भी लैके 5 हज़ार वाले जोड़े इतने के चैरिटेबल रेट ने 5 हज़ार वो भी इन्हों वालों दते जाते हैं। आखिर के बीच जड़िया सारिया सेवावान शुरू कीतियां हुई ने और अज गुरु साहब की कृपा नाल एक बड़े वड्डे हॉस्पिटल के रूप के विच सामने आए ने, साढ़े दर्शकों नूं की कहना चाहोगे? मैं एक होर मैं कहना चाहवागा कि जिहड़ा भी बंदा ए मेरी ये वीडियो देखे वह वायरल जरूर करे कि भी किसी का भला हो सके, एक तो यह है। बाकी असं यह कहना चाहवागे कि भी जे क्योंकि इतने काम बड़े चलते पे ने, जिहड़ा भी सानू साढ़े को ATG का भी है, जिहड़ा भी कोई डोनेशन देना चाहता है वे वो देवे और उन्होंने इनकम टैक्स रिबेट भी मिलेगी तो सानू आके कोई राय भी देवे कि इंज करना चाहिए है, अच्छा काम है, इस करिए अपना ना उस हिसाब के ठीक है। जरूर
असी वधाई देंगे हरमन जी जी कि जिहड़ी ये सेवावां शुरू कीतियां ने और एक होर बड़ी वड्डी सेवा जिहड़ी चल रही है उहदे विच वी असी गल करांगे कि दवाइयां दी शायद दिल्ली दे विच सब तो सस्तियां दवाइयां जिहड़ियां हैगियां ने ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤਜਿੰਦਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ 2 ਆਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਮਗਰ ਇਕੱਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜੇ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਰੇਟ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਲਹਿਰ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਆਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ BP ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਰੇਟ ਔਰ ਕੰਪਨੀ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਗਰ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਫਾਖਾਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਦਵਾਖਾਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਸੀਗਾ ਦਵਾਖਾਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਹਰਮਨਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਲਾਹ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਔਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਗਲੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਾਂਗੇ ਫਤਿਹ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ